हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे साड़ी ब्लॉगर में। तो फ्रेंड्स, आज दिन कौन सा है, दिन है फ्राइडे। आज दिन है फ्राइडे, शुक्रवार। और अभी अभी ना मैंने अपनी एलबी खत्म की है, मतलब अभी पांच बजने वाले हैं, अभी बजा नहीं है। तो अभी तो एलबी खत्म करी है और मैं सोच रही हूँ आज किचन का थोड़ा सा मेकओवर कर दिया जाए, क्योंकि ना किचन बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है। और रक्षा बंधन भी आ रहा, त्यौहार भी आ रहा, तो मैं सोच रही हूँ कि साफ सफाई थोड़ी सी कर डालूँ किचन की। तो मैं क्या करूंगी ना, सारा सामान किचन का निकाल के पहले बाहर लेके आऊंगी और फिर इसको फिर वापस से लगाना पड़ेगा, क्योंकि ना जो किचन की स्लैब होती ना, ऊपर जलमारी बनी है, उसकी पॉलीथिन वगैरह सब गंदी हो चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ सारा कुछ चेंज कर दूँ और सब डब्बे वगैरह सब साफ कर दूँ, क्योंकि जो डब्बे वगैरह अपना जैसे जो क्या बोलते हैं उसको, चिकनाई बोलते हैं हमारे यहाँ, जो लग जाती है ना चिकसा जैसी, चिपचिप होती है, डब्बे छूओ ना तो चिपचिप होती है, हाथों में लगती है। तो मैं सोच रही हूँ सारा कुछ साफ कर दूँ, डब्बे धुल के और किचन साफ कर डालूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ना। काफी दिनों से सोच रही थी कि ये सब कर डालूँ, लेकिन वही होता है ना, मन ही नहीं करता। ये तो गर्मी इतनी ज्यादा होती है, गर्मी के चक्कर में किचन में जाने का भी मन नहीं करता गर्मी में। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी थोड़ा सा मौसम भी वैसा हो चुका है, थोड़ा सा ज्यादा गर्मी नहीं है इस समय। तो मैं सोच रही हूँ कि सारे डब्बे निकाल के मैं बाहर लेके आऊँ, फिर देखती हूँ किस तरीके से सफाई करनी, इसको पूरा धुलना है या फिर कपड़े से ही साफ करना है, तो फिर देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये किचन में धमा चौकड़ी मचाते हैं चल के। और क्या, धमे चौकड़ी बोलेंगे इसको, उठा के लाओ फिर रखो जाके, वो धमे चौकड़ी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना युद्ध किचन के साथ में और दिखाते हैं आपको, शेयर करते हैं कि किस तरीके से सफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, किचन क्लीनिंग का जो काम था वो स्टार्ट हो चुका है। और अभी क्या करेंगे हम, इस सारे डब्बे जो है उतार के नीचे रखूंगी और फिर इनको लेके बाहर जाना है। तो बाहर अकेले तो मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से उतारो फिर नीचे रखो फिर बाहर लेके जाओ। तो मैं बच्चों को जैसे लगा लिया था, बच्चों ने जो है सब मिलके जो है डब्बे अब्बे सब बाहर रखवा दिए थे, लेकिन उनका वही रहता ना कि पहले कैमरा बंद करो तब हम आएंगे। तो फिर मैंने कैमरा बंद किया, तब फिर बच्चे आए और सारा सामान जो है बाहर रखवा दिया। तो सामान होता क्या है, बाहर रखने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब उसको वापस लगाना होता तब दिक्कत बहुत होती, धो लो साफ करो। और तब तक आ गए थे गुप्ता जी, फिर मैंने बीच में चाय बनाई उनके लिए। तब बीच बीच में ये सारे भी काम होते रहते हैं, चाय बनाना है। और एक घंटा मुश्किल से 1.5 घंटा हुआ था, लगभग 6:30 बजे बच्चों को भूख लग गई, अब उनको भी कुछ खाना है बीच में, क्योंकि अगर कुछ काम करने लगोगे ना तो उनको ज़रूर भूख लगेगी बीच में। और ये देखिए फटाफट मैं यहाँ पे स्पीड मैंने फास्ट कर दी, और जल्दी से कपड़े से ऐसे पोंछ दिए, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा था, तो मैंने बस कपड़े से ऐसे पोंछ के और ऊपर जो पॉलीथिन वगैरह डालते हैं ना वो बस चेंज कर दी थी। और उसके बाद जो है इसी के ऊपर सामान थोड़ा बहुत रखा था, बाकी मैंने सुबह रखा था। और ये देखिए अब उसके बाद ये मैगी भी उनको ऐसे नहीं खानी होती है, पूरा सब्जी डाल के, लेकिन टमाटर घर में आज थे नहीं, आ नहीं पाए, तो बोले सिर्फ प्याज डाल दो लेकिन सब्जी डाल के बनाओ। तो ऐसे ही खाते हैं, बिल्कुल सादी मैगी नहीं खाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैगी बनाई, तो मैंने क्या किया, मैंने आज कुकर में ही मैगी बना दी। मैंने सोचा कि अभी बाद में कुछ बनाना होगा ना, तो बाद में बनाई थी खिचड़ी और अभी बच्चों के लिए मैगी, तो मैंने इसी कुकर में बना दिया और इसी कुकर में बाद में खाली करके खिचड़ी बना रही थी। तो मुझे ना अलग से कोई बर्तन नहीं लगाना पड़ा, नहीं तो फिर अलग से बर्तन लगाना पड़ा, क्योंकि धुलना तो हम ही को पड़ेगा, तो इसीलिए कुकर में बना दी थी। कुकर में भी काफ़ी अच्छी बन जाती है, कोई ज़रूरी नहीं आप पैन में ही बनाएं या कढ़ाई में ही बनाएं, चाहे जिसमें बना लेते। ये देखिए सब्जी बता रहे हैं, सॉरी क्या बोलती रहती हूँ मैं, वो प्याज डाला, मतलब थोड़ा सा तेल डाला, उसमें प्याज भून के डाला और उसी में सारे मसाले डालेंगे अब, और मैगी डाल देंगे, और मैगी मसाला डाल के थोड़ा सा नमक डाल देंगे, बस ये मैगी जो है फटाफट तैयार हो जाएगी, बच्चे खा लेंगे। और शाम को भी ना, अभी भी 6:30 बजे आप देख सकते कितना ज़्यादा ये पसीना निकल रहा है, बहुत गर्मी लग रही थी किचन में, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था। और अब ये देखिए फटाफट डब्बे साफ़ कर लेती हूँ मैं, जो एयर टाइट डब्बे हैं उनको तो मैं ऐसे साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सामान भी रखा है, खाली कर नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, तो ऐसे साफ़ कर देते हैं और साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि अंदर ज़्यादा गंदे होते नहीं है, गंदे तो ऊपर ही से होते हैं ना। तो इस तरीके से ऊपर साबुन से बस स्क्रबर लगा के और पानी से धुल देंगे बस अच्छे से, बाद में सूखे कपड़े से पोंछ देंगे, सारे डब्बे चमक जाएंगे हमारे, बढ़िया से गोरे गोरे हो जाएंगे। और ये देखिए इतनी देर में मेरी मैगी भी बनके रेडी हो गई थी, मैगी में ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं लगता, बस 5-7 मिनट लगते हैं, बस मैगी बनके रेडी हो जाती। ये देखिए गर्मा गर्म मैगी, आ जाइए आप लोग भी शाम का नाश्ता मैगी खा लीजिए, गर्मा गर्म खा के बताइए कैसी बनी है ये प्याज वाली मैगी। और ये देखिए अब ये जो डब्बे जो मैंने धुले थे ना, इनको अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ देंगे और बस ऐसे लगा देंगे। तो जो डब्बे खाली थे ना, उनको मैंने अच्छे से अंदर से साफ़ किया था, मतलब खोल के और अच्छे से मतलब साबुन से अंदर और बाहर दोनों तरफ मांझ के साफ़ किया था। और उनको क्या करेंगे, इस तरीके से सूखा तौलिया डाल देंगे ऊपर, इसे ऐसे रख देंगे तो पूरी रात भर में ये सूख जाएंगे अच्छे से। ये मैगी खाई हुई प्लेटें भी तब तक आ गई थी, बच्चों ने खा के डाल दी, तो इनको भी मैंने साथ ही साथ में धुल दिया और साथ ही में ये सिंक भी धुल दी, क्योंकि अभी वही बजे होंगे 8:15 बजे होंगे, अभी मैंने टाइम नहीं देखा कितना बजे, बस काम में लगी पड़ी हूँ, टाइम का पता नहीं चलता अगर काम में लग जाओ ना बराबर।
और अभी भी रात का खाना खाने का भी कुछ देखना है तो मैं खिचड़ी ही बना दूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा थका थका लग रहा था। तो शाम को 5 बजे से लगे लगे अभी बज गए हैं 8:30 और अभी मुझे बनाना है खाना भी बनाना, तो खाने में कुछ नहीं बनाऊंगी, सिंपल सी खिचड़ी बना लूंगी, सब लोग खा लेंगे क्योंकि ना अभी थकावट भी बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि सब किचन का जो सामान होता है ना सब बाहर निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, ऊपर चढ़ के उतारो फिर से बाहर ले जाओ तो बड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो अभी सामान लगा नहीं पाई हूँ मैं, आपको दिखाती हूँ ऊपर एक बार। ये देखिए अभी कुछ नहीं लगा, बस 2-4 डिब्बे ऐसे रख दिए जो जरूरी वाले थे, चाय वाय बनाई थी ना तो वही उठा के लेके आए थे तो वही रखे, क्योंकि नीचे तो मैं रोज साफ ही कर देती हूँ, नीचे तो कुछ साफ करना है नहीं, बस ऊपर का रह जाता है, ऊपर कभी कभी हो पाता है 2-4 महीने में। और आज ना देखिए आज बालों में कंघी तक नहीं करी अभी, तो अब जाओगे सबसे पहले बालों में कंघी करूंगी और इसके बाद मिलूंगी मैं आपसे, अब सुबह मिलूंगी ठीक है, अब मैं इसके बाद कोई शूटिंग नहीं करूंगी क्योंकि बार बार कैमरा इधर से उधर सेट करो ना बड़ी दिक्कत होती है, तो अब सुबह मिलेंगे आपसे ठीक है। चलिए करते हैं बाय बाय और इंटरवल कर लेते हैं, रात में सो लेते हैं, सुबह मिलते हैं आपसे। The next day. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बजे हैं सुबह के 5:15 हो चुके हैं क्योंकि अभी 5 बजे आई थी ना थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, अभी बस थोड़ी थोड़ी रोशनी हुई है तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि कल का भी अधूरा ब्लॉग पड़ा है, पूरा नहीं हुआ है, एंड नहीं हुआ है, ब्लॉग का एंड कहाँ से होगा जब अभी पूरा नहीं हुआ, जब ब्लॉग पूरा कर पाएंगे तभी तो एंड करेंगे। और दिखाते हैं आपको मौसम भी दिखा देते हैं, थोड़ा सा छत पे आए हैं तो मौसम दिखाना तो बनता है, चलिए दिखाते हैं बैक कैमरे से। ये देखिए और वो रहा हॉस्पिटल, ट्रेन की भी आवाज आ रही है क्योंकि ना स्टेशन थोड़ी ही दूर पड़ता है हमारे घर से, इसीलिए ट्रेन की भी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, एकदम साफ आ रही है आवाज। कुछ इस तरीके का मौसम हो रखा है, अभी हल्की हल्की रोशनी हुई है, लोगों ने मौसम भी दिखा दिया आपको और व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया, तो अब चलते हैं नीचे। और नीचे अभी किचन का ना काम सब अधूरा पड़ा है, अब सबसे पहले बना के पियेंगे चाय, उसके बाद में सारा सामान लगाएंगे किचन में, फिर देखेंगे खाने का क्या बनेगा क्योंकि स्कूल के आज बच्चों का तो स्कूल है तो बच्चे तो स्कूल जाएंगे, तो चलिए देखते हैं नीचे कैसे क्या क्या बनता है, अभी तो कुछ सोचा भी नहीं क्या बनाना है, अभी कुछ सोचा ही नहीं, हाँ अभी कुछ सोचा ही नहीं क्या बनाएंगे चल के, चलो कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, चलो देखते हैं नीचे चल के। और ये देखिए यहाँ पे ना नीचे आने के बाद मैंने आलू उबालने को रखे क्योंकि कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाया है, तो मैंने सोचा चलो कचौड़ी बना देते हैं बच्चों के, सुबह कुछ ना कुछ तो बनाना ही है, सिर्फ आलू रखे थे तो फटाफट आलू बड़े बड़े थे ना तो इनको काट के टुकड़ों में करके इस तरीके से रख दिए, और ये शुगर फ्री आलू है तो बहुत जल्दी उबल जाते हैं, तो फटाफट आलू उबाल लेंगे, चाय बना के पियेंगे, उसके बाद में थोड़ा बहुत जो डब्बे रखे हैं ना बाहर वो उठा के किचन में रखेंगे। देखिए साथ ही साथ में सारा काम हो रहा है, डब्बे भी ला के मैं रख रही हूँ क्योंकि बच्चे तो अभी सो रहे हैं, अभी नहीं उठे हैं, और फटाफट आलू उबल गए, यहाँ पे मैं आलू छील ले रही हूँ, इसको जो है आलू गरम गरम ही ना इस तरीके से कटोरी से तोड़ लेंगे, मतलब मैश कर लेंगे तो ये अच्छे से इसका जो है बन जाएगा भरता। और ये देखिए आलू मैश कर लिए अच्छे से, उसके बाद इसमें डालेंगे सूखे मसाले से धनिया मिर्ची जो भी आप खाना चाहें, गरम मसाला, जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर, थोड़ी सी अमचूर जो भी डालना चाहें, नमक, ये सारे मसाले डालते हैं आलू में। उसके बाद ये आटे में थोड़ा सा नमक डाला है और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है, इसको गूँथ लेंगे अच्छे से, इसका एक नरम डो तैयार कर लेंगे और इसकी बना लेंगे कचौड़ी फटाफट। ये देखिए बहुत जल्दी जल्दी सुबह सुबह काम करने पड़ते हैं और स्पीड भी फास्ट कर रखी है ताकि आपको देखने में भी वो ना लगे। और ये बना लेंगे लोई, लोई बना के इसको छोटा छोटा पूड़ी जैसे बेल लेंगे, पूड़ी जैसा, फिर इसमें ना भरता भरेंगे जो हमने मसाला तैयार करके रखा आलू वाला वो भर के, बस इसको छोटी छोटी कचौड़ी बेल के तेल में तल लेंगे फटाफट, बच्चे खा लेंगे क्योंकि बच्चों को तो वैसे भी आलू की कचौड़ी पराठा सब पसंद ही होता है। और इन कचौड़ियों को ना जब तेल में डालने के बाद हल्की हल्की धीमी धीमी आंच पे धीमे धीमे पकाएंगे, थोड़ा देर तक पकाएंगे ना तो अंदर तक अच्छे से पक जाती हैं और एकदम खस्ता बन के तैयार होती हैं, खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, तो आप भी इसी तरीके से बनाइए खाइए। तो ये देखिए फ्रेंड
फ्रेंड्स सुबह का नाश्ता भी बनकर रेडी है, अब मैं जा रही हूँ देने बेटे को क्योंकि वो खा के स्कूल जाएगा, और आप लोग भी खा लीजिए। तो शाम को मैंने आपको मैगी बना के खिलाई थी ना, और सुबह के नाश्ते में खिलाएंगे ये गर्मा गर्म आलू की कचौड़ियाँ। तो जिनको जो बच्चे हैं ना, बच्चे देख रहे हैं वीडियो तो वो स्कूल जाएं, जो बड़े हैं वो ऑफिस जाएं, और जो महिलाएं देख रही हैं ना वो घर का काम निपटाएं। और ये वाला व्लॉग ना कल शाम को 5 बजे शुरू हुआ था और अभी बज चुके हैं सुबह के 7। तो 12-14 घंटा हो गए इस व्लॉग को स्टार्ट किए हुए। तो अब मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। रुको जरा, सबर करो। और है, कचौड़ी कैसी लगी खा के जरूर बताना कमेंट बॉक्स में जाके, ढेर सारे कमेंट करना ठीक है, मुझे कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है।